भारतीय भूमि पर तमाम क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने देश, धर्म, संस्कृति एवं मूल्यों की संप्रभुता को सबसे ऊपर मानते हुए शहादत देना स्वीकार किया, मगर दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई। ऐसे ही एक शूरवीर थे सिखों के नौवे गुरु, गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी। इनके देश प्रेम की भावना को देखते हुए इन्हें हिंद की चादर के उपनाम से भी सम्मानित किया गया। गुरु श्री तेग बहादुर जी ने अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए सर कलम करवा दिया, लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी की पुण्य तिथि 24 नवंबर, जिसे शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। वे गुरु हरगोविंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। वह बाल्यकाल से ही संत स्वरूप, उदार चित्त, बहादुर और निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी शिक्षा दीक्षा मीरी पीरी के मालिक गुरु पिता गुरु हरगोविंद साहिब जी की छत्र छाया में हुई थी। सिखों के 8वें गुरु गुरु श्री हरकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु के पश्चात गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी को 9वां गुरु बनाया गया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिताजी के साथ मुगलों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया था। कहा जाता है कि औरंगजेब अपने दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण से प्रतिदिन गीता के श्लोक अर्थ सहित सुनता था, लेकिन कुछ पंक्तियां छोड़ देता था। एक दिन अस्वस्थ होने के कारण उसने अपने बेटे को भेज दिया। पुत्र ने औरंगजेब को अर्थ सहित पूरी गीता सुना दी। पूरी गीता सुनने के बाद औरंगजेब ने जाना कि हर धर्म अपने आप में महान है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसने अगले ही दिन मुनादी पिटवाकर सबको जबरन इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया। औरंगजेब को कहा गया कि गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी अगर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे तो सभी दूसरे लोग भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे। औरंगजेब ने गुरु श्री तेग बहादुर साहिब जी को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन उनके लाख प्रलोभनों के बावजूद गुरु श्री तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म स्वीकारने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने औरंगजेब को बताया कि अगर आपने किसी को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए विवश किया तो वे सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम में किसी पर अत्याचार करके मुस्लिम बनाना नहीं लिखा है। औरंगजेब यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वह गुरु श्री तेग बहादुर जी को ताड़ना देते हुए दिल्ली के चांदनी चौक पर खुले चौराहे पर उनका शीश काट दिया जाए। गुरु श्री तेग बहादुर जी ने भयभीत हुए बिना शहादत दे दी, मगर इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। सतनाम श्री वाहेगुरु।